दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी विष्णु स्वरूप। आज बात किसानों की करते हैं, जिसके आंदोलन से भारत में एक नया किसान जमीन और सरकार के बीच एक जद्दोजहद चल रही है। वस्तुतः किसानी को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े को भी समझना होगा। आज हम उसी पर कुछ चर्चा करते हैं। अपने देश में जो हारे हुए राजनेता हैं, उन लोगों को मिलने वाला सुविधा, मिलने वाली पेंशन, ये कुल राशि भारत के किसानों के एवरेज आय से ज़्यादा है। और ऐसे वैसे ज़्यादा नहीं है, यह लगभग 10 से 20 गुना तक ज़्यादा है, क्योंकि किसानों को मिलने वाला जो औसत आय है वह 6500 के करीब बैठता है। आपको यह जानकर और भी ताज्जुब होगा कि देश में कुल वोटरों की संख्या लगभग 90 करोड़ से ऊपर है, और किसी भी राजनेताओं ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने और किसी भी सामाजिक संगठनों ने कभी यह मुद्दा नहीं उठाया कि किसान कुल जो वोटर के रूप में है उनकी भी तादाद 26 करोड़ के आसपास है। किसान वैसे जिनके पास जमीनें हैं उनकी तादाद 11 करोड़ है। अब आप पिछले दफा जो चुनाव हुए हैं उनमें मिलने वाले टोटल मतों को समझें। यह मत कभी भी 23 करोड़ को पार नहीं किया, मतलब 26 करोड़ की जनसंख्या में 23 करोड़ को पार नहीं करने वाला जो मतों की संख्या है, यह तारीफ काबिल है कि राजनेताओं ने किसानों को कितना तवज्जो दिया है। गौरतलब बात यह भी है कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में किसानों को जो एवरेज इनकम होता है उसके जो वार्षिक आय हैं वह कुल मिलाकर के 3500 मासिक, या इसे गुना करके आप देखें तो 40,000 के करीब वार्षिक आय मिलता है। सबसे ज़्यादा किसानों का मासिक आय पंजाब के किसानों के लिए जो 18,000 के आसपास बैठ जाता है। अब आप एक रबी और खरीफ की फसलों को भी आप देखें। इन फसलों में एक धान प्रमुख है। धान के फसल 6 महीने में तैयार होती है, उसके एक एकड़ में जो इनकम होता है किसानों को वह 50,000 के आसपास होता है, क्योंकि 30 क्विंटल की पैदावार होती है। इस 30 क्विंटल के पैदावार में 10,000 का लागत है। लेकिन आप यह जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि अभी किसानों की जो इनकम है जो धान के फसल से रिलेटेड है वह न्यूनतम स्तर पर जा रहा है, क्योंकि 300 रुपये का जो एक सब्सिडी सरकारों की तरफ से मिलता था कई राज्यों में वह बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आप यह भी जानकर के हैरत में हो जाएंगे कि किसानों को सिर्फ समर्थन मूल्य देने की बात की जाती है। नए जो कानून आ रहे हैं उसमें कभी भी किसी किसानों को कोई भत्ते की बात सामने नहीं आई, और ये राजनेता भूल रहे हैं, ये सामाजिक संगठन भूल रहा है कि किसानों को भी कुछ भत्ते मिलने चाहिए, या किसानों के बच्चे भी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, जिसे शुद्ध पेयजल चाहिए, इन सब में कुछ ना कुछ लागत आता है। इन लागतों का कहानी एक तीसरी मोड़ की ओर ले जाता है, जिसमें किसानों की आत्महत्या की बात होती है। और यह बात भी गौरतलब है कि प्रत्येक दिन लगभग एक किसान अपनी किसानी छोड़ रहा है। अब एक बात और भी दिगर है कि सरकारें क्यों अपनी आंखों को बंद कर रखा है, क्योंकि एग्रीकल्चर मतलब किसानी और व्यापार दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। घटते हुए जो जमीन है, 67% जमीन जो अभी खेती योग्य मानी जाती है उसमें से सिंचाई की सुविधा नहीं है। आपको यह जानकर के भी ताज्जुब होगा कि खेती योग्य भूमि उसमें से 9% भूमि जो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर दोनों से जुड़ी हुई थी उसका आकार घट गया है। कहने का अर्थ यह है कि त्वरित घटने वाले जमीन को और सुविधाओं के अभाव में जो किसान किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं उसके लिए सरकारें कितनी संजीदा है। क्यों इस तरह के आंदोलन सरकार को यह सोचने के लिए बाध्य करते हैं लेकिन सरकारें सामने नहीं आ पाती है। धन्यवाद।